दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आपके मोबाइल में जो वाईफाई कनेक्टेड है उसका आप कैसे पासवर्ड देख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भैया जिस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं, या जो वाईफाई आपके मोबाइल में कनेक्टेड है उसका आप पासवर्ड कैसे देख सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से अपन वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं जो अपने मोबाइल में कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में या किसी भी मोबाइल में आपको जो सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। जब क्लिक कर देंगे यहाँ आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वाईफाई एंड नेटवर्क का, देखिए ये लिखा हुआ है सिंपल। आपको सिंपल वाईफाई एंड नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक करना होता है। जैसे आप वाईफाई और नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपके सामने आता है वाईफाई का एक ऑप्शन, देखिए वाला सिंपल आपको वाईफाई पर क्लिक करना होता है। जैसे आप वाईफाई पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर जितने भी वाईफाई खुले हुए होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस नाम से ये वाईफाई है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। एक तरीका ये है यहाँ पर आने का। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा डायरेक्ट यहाँ पर आने का। सिंपल ध्यान दीजिए, आपके मोबाइल से ऊपर से स्क्रॉल कीजिएगा, तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपको वाईफाई देखने को मिलता है। सिंपल आपको वाईफाई पर लॉन्ग प्रेस करना होता है, तो डायरेक्टली आप वाईफाई की सेटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो भी आपका मोबाइल से वाईफाई कनेक्टेड है आप देख पाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिंकी सिंह, और ये वाईफाई कनेक्टेड है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाता है। ध्यान दीजिए, आप पता कैसे करना वाईफाई का पासवर्ड, सिंपल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर, कोशिश देखिए यहाँ पर लिखा है शेयर, ये देखिए आपको वाईफाई वाले नाम पर क्लिक करना है, मतलब कि जो आपको कनेक्टेड है। जब आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद देख पाएंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर, आपको सिंपल शेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ सकता है, अगर आपका मोबाइल लॉक होगा तो पहले लॉक खोल लीजिएगा। और आप देख पाएंगे तो यहाँ आपके सामने एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि मैं ले लिया मैंने, ठीक है। सिंपल लेने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल देखिए ये इसकी जो देखने को मिल रहा है। कुछ मोबाइल में होता है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है यही पासवर्ड है, ठीक है। और कुछ मोबाइल में होता क्या है, वाईफाई पासवर्ड यहाँ पे लिखा नहीं होता है लेकिन क्यूआर कोड दिखाई देता है, तो सिंपल आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपल ध्यान दीजिए आपको करना क्या बताऊँगा, ठीक है। इसको पूरा विंडो क्लोज कर दीजिएगा, पूरे सब कुछ बंद कर दीजिएगा। सिंपल आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम हो या कोई भी हो, उसको ओपन कीजिएगा। जैसे उसको ओपन कर लेंगे सिंपल ध्यान दीजिए यहाँ आपको सर्च करना बताना चाहूँगा, देखिए लिखा है सर्च, यहाँ आप सर्च कीजिएगा बताता हूँ, देखिए सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपकी वेबसाइट देखने को मिलती है, इस पर लिखा हुआ है webqr.com, ये देखिए सिंपल, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, यहाँ पे आपको इसको अलाउ कर देना है, ठीक है ना, अलाउ कर दीजिएगा। चलिए जैसे इसको अलाउ करेंगे, ठीक है, सिंपल अलाउ कर दीजिएगा एक मिनट, और यहाँ बीच में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक कैमरे पे, देखिए लिखा है ना कैमरा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे इस साइड। जब कैमरे पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन खुल जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप ए क्यूआर कोड हेयर और सेलेक्ट फाइल, आप यहाँ देख पाएंगे लिखा हुआ है चॉइस फाइल, सिंपल आपको चॉइस फाइल पर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप चॉइस फाइल पर क्लिक कर देते हैं यहाँ आपके सामने कई ऑप्शन आते हैं, कैमरे का, कैमकॉर्डर का और फाइल का, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना होता है फाइल पर, ये देखिए क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फाइल पर क्लिक कर देते हैं अब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपल ध्यान दीजिए ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर तीन लाइन देखने को मिलती हैं आपको, सिंपल तीन लाइन पर क्लिक करना है। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आना होता है गैलरी में, गैलरी में जाइएगा। गैलरी में आएंगे तो आपके जितने भी मोबाइल में फोल्डर होते हैं वो सभी यहाँ पर फोल्डर आपको शो हो जाते हैं, कि जिस नाम से फोल्डर बने हुए हैं वो सभी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, आपके जितने भी फोल्डर होते हैं सभी यहाँ पर लोड हो जाते हैं। अब यहाँ आपको देखना होता है कि आपका स्क्रीन शॉट वाला फोल्डर कहाँ पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल में जो स्क्रीन शॉट वाला फोल्डर है ये है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और जो आपने स्क्रीन शॉट लिया है उसको चॉइस करना, मतलब सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और सिंपल कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो आप देख पाएंगे आपका जो वाईफाई का जो पासवर्ड है आप देख पाएंगे नीचे लिखा चुका है, देखिए लिख चुका है, वाईफाई का नाम लिखा चुका है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो वाईफाई आप देख पा रहे हैं Pinky26548, जो ये नाम लिखा, देखिए बिंदी ये लिखा है ना, देखिए WPS ये बिंदी P फिर डबल बिंदी, इसके बाद का आप जो देख पाएंगे, देखिए गोल से कहाँ जाऊँ इतना, ये देखिए यहाँ तक का, यहाँ तक एट तक का,
ये वाली बिंदी से लेके और ये वाली बिंदी तक का आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है, ये आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा जो भी आपके मोबाइल में कनेक्टेड है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग किसी भी वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। मुझे पूरी उम्मीद आप लोग पूरे समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।